बताने चल रहे हैं कि शब्दों द्वारा निरूपण या शब्द समीकरण किसे कहते हैं, यानी शब्दों द्वारा निरूपण कैसे किया जाता है, या फिर कह सकते हो कि शब्द समीकरण क्या होते हैं। रिप्रेजेंटेशन बाय वर्ड, रिप्रेजेंटेशन बाय वर्ड यानी शब्द समीकरण में, शब्द समीकरण में अधिकारकों को, शब्द समीकरण में अधिकारकों को तथा उत्पादों में, अधिकारकों को तथा उत्पादों में जो परिवर्तन होते हैं उनको बीच में, उनके दोनों के बीच में एक तीर लगाकर दर्शाते हैं। मतलब कोई भी शब्द समीकरण हो तो हम क्या करते हैं, अभिकारक और उत्पाद के बीच में, अभिकारक और उत्पाद के बीच में एक तीर का चिन्ह लगा के हम दर्शा देते हैं। उदाहरण जैसे जस्ता तथा सल्फ्यूरिक अम्ल, जस्ता तथा सल्फ्यूरिक अम्ल की एक रासायनिक अभिक्रिया को हम निम्न प्रकार से निरूपित करते हैं। उदाहरण आप देखिए लिखा है जस्ता प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल, ये क्या है, हमारे अभिकारक हैं। फिर देखो आप इसके बीच में क्या लगा है, एक तीर लगा है। फिर क्या बना है उत्पाद में, जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस, जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस। दूसरा हमारा उदाहरण है हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस ये हमारे अभिकारक हैं। और देखो तीर का चिन्ह लगा है, फिर उत्पाद में लिखा है जल या पानी, क्या लिखा है, जल या पानी। तो हम शब्दों का निरूपण यानी शब्द समीकरण का निरूपण इस प्रकार से शब्द को लिख लिख के करते हैं। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अगर हम शब्द द्वारा निरूपण करेंगे या शब्दों के द्वारा निरूपण करेंगे तो ऐसे हमें शब्दों को लिख लिख के दर्शाना पड़ेगा। अब हम आपको बताने चल रहे हैं कि हम संकेत द्वारा निरूपण कैसे करते समीकरण को, रासायनिक समीकरण को तत्वों और यौगिकों के नामों के स्थान पर उनके प्रतीक और उनके सूत्र या संकेत के द्वारा संक्षेप में निम्न प्रकार से निरूपित कर सकते हैं। यानी हम कह सकते हैं किसी रासायनिक समीकरण को, किसी रासायनिक समीकरण को संकेत के द्वारा, सूत्र के द्वारा, यौगिकों के द्वारा, यानी उनको उनके नामों के स्थान पर उनके प्रतीकों को ही हम लिख के निरूपित करते हैं, इसे संकेत द्वारा निरूपण या आप कह सकते हो सूत्र द्वारा निरूपण कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे जड़ियन, जड़ियन सॉलिड है हमारा, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल लिक्विड है, और इधर क्या बना लेता है, ये हमारे क्या है अभिकारक है, और इधर उत्पाद तैयार होता है क्या, जिंक सल्फेट लिक्विड में, क्या प्राप्त होता है लिक्विड में जिंक सल्फेट, और क्या निकलता है उसमें से हाइड्रोजन गैस निकलती है। दूसरा एग्जाम्पल H2 plus O2, और इधर बनता है H2O, लेकिन हाइड्रोजन परमाणु को और ऑक्सीजन परमाणु को बराबर करने पे हमें प्राप्त होता है H2 plus O2 यानी 2H2O, क्या प्राप्त होता है 2H2O, यानी हम